फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैक्सिकन ग्रीन राइस की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत डिफरेंट टेस्ट है इस राइस का। इसके लिए हमको चाहिए कैप्सिकम, 1 मीडियम साइज़ की कैप्सिकम, 2 ग्रीन चिलीज, 2 स्लाइसेस मैंने कैप्सिकम की अलग से रखी हैं जस्ट फॉर गार्निशिंग, 1/2 कप कोरिएंडर लीव्स, 1/2 कप अनियन, 2 टेबल स्पून फ्रेंच बीन्स, बटर कुकिंग के लिए, 4-5 क्लोव्स गार्लिक की, सॉल्ट और चॉप्ड वॉलनट्स। मैक्सिकन ग्रीन राइस बनाने के लिए चाहिए हमको राइस। मैक्सिकन ये ग्रीन राइस की रेसिपी के लिए जो हम राइस यूज़ करेंगे वो आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने राइस को सोक करके नहीं रखना है। हम 1 कप राइस हैं, ये मैंने इस कप से मेजर किया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और एक स्ट्रेनर पे इसको अच्छे से फैला दिया है ताकि सारा पानी इसका ड्रेन आउट हो जाए, और हमको अपने राइस को इसी तरह से छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए। इसको सोक करके नहीं रखेंगे। और कुकिंग करने के लिए चाहिए हमको ऑयल। मैक्सिकन ग्रीन राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी कैप्सिकम को एक फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करूँगी। मैंने इसके अंदर फिक्स किया है फोक में फिक्स करके मैं अपनी कैप्सिकम को अच्छे से रोस्ट करूंगी। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. कैप्सिकम हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम तरीके से हम अपनी ग्रीन चिलीज को भी रोस्ट करेंगे। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. कैप्सिकम और दोनों ग्रीन चिलीज को मैंने रोस्ट कर लिया है। कैप्सिकम ग्रीन चिलीज को रोस्ट कर लिया है, ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन तीनों का, कैप्सिकम कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज का, फाइन पेस्ट बनाएंगे मिक्सी के जार में डाल के। ये हमारा फाइन पेस्ट बनके तैयार है, कैप्सिकम ग्रीन चिलीज कोरिएंडर, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए थे अपने गार्लिक क्लोव्स। अब हम अपने राइस बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ली है कढ़ाई, हैवी बॉटम कढ़ाई। इसमें मैं डाल रही हूँ बटर 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल, वन टेबल स्पून। बटर और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे अपनी अनियन, एक से दो मिनट सॉटी हो गई हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपना ग्रीन पेस्ट, कर रही हूं अपनी चॉप्ड फ्रेंच बीन्स, ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूं अपने राइस। इसको बहुत हल्के से हमें अपने राइस को बहुत हल्का हल्का मिक्स करते हुए भूनना है। Forever free. इस रेसिपी में जितना अच्छा हमारा राइस भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट इस रेसिपी का आएगा।
इसीलिए हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए हैवी बॉटम यूटेंसिल का यूज़ किया है ताकि नीचे से भूनते टाइम हमारे राइस जल ना जाएं। In the great outdoors, forever free. मिनट्स हो गए हैं, राइस हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, डबल पानी ऐड करेंगे, एक कप चावल थे तो दो कप पानी। Together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, गैस फ्लेम को मैंने इस टाइम फुल पे कर दिया है और लिड लगा के इसको हम अच्छे से पकाएंगे। गैस फ्लेम को मैंने फुल इसलिए किया है कि एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद हम इसको बिल्कुल सिम कर देंगे। राइस में हमारे बॉईल आ गया है। इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़े से वॉलनट्स और फ्लेम को एकदम सिम कर दिया है। अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक कि अच्छे से हमारे राइस पक नहीं जाएंगे, और बाकी के वॉलनट्स मैंने गार्निशिंग के लिए रोके हैं। राइस हमारे बन चुके हैं। इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसको अभी हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के छोड़ देंगे। मैंने गैस पर रखा है एक पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर, इस बटर में हम अपनी जो डाइस्ड कैप्सिकम थी उनको थोड़ा सा सेकेंगे। It's so beautiful, you and me. कैप्सिकम फ्राई हो गई हैं, इसको निकाल लेंगे। सेम बटर में हम अपने वॉलनट्स भी जो हमने बचाए थे वो थोड़े से फ्राई करेंगे। Ever free. फ्रेंड्स, तैयार है हमारे मैक्सिकन ग्रीन राइस बनके। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स सो ब्यूटिफुल, यू एंड मी, वी मेंट टू बी. Great outdoors.